Hello students, today we will start doing these questions from SSC to UPSC prelims questions. Okay, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? तो इंसुलिन की कमी से बेरी बेरी इंसुलिन की कमी से शायद डायबिटीज़ होता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था शायद गृहदत्त। यस। ट्रॉफी खेल देश तो आगा खां कप जो होता है वो हॉकी के लिए दिया जाता है, भारत में दिया जाता है। और एशिस कप क्रिकेट के लिए दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में। अगस्ता मास्टर्स गोल्फ के लिए दिया जाता है या इंटरनेशनल कप है? ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस होता है, इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल। एंड अजलान कप इज़ फॉर हॉकी इंटरनेशनल। बामा बेलक कप टेबल टेनिस के लिए भारत में। BCS ट्रॉफी फुटबॉल अमेरिका। बेटन कॉफ कप हॉकी भारत। ब्लेडी स्लो कप रग्बी के लिए न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी इन इंडिया। बॉर्ग वार्नर ट्रॉफी मोटर स्पोर्ट्स इंटरपोलिस अमेरिका। ब्रिटिश ओपन गोल्फ इंटरनेशनल। बर्दवान ट्रॉफी भारोत्तोलन भारत। कैलकटा कप रग्बी इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी इंटरनेशनल। कोलंबो कप फुटबॉल इंटरनेशनल। कमिश्नर्स ट्रॉफी बेसबॉल अमेरिका। बंद हवा को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, अमोनिया या हाइड्रोजन क्लोराइड। सो मेरे हिसाब से बंद हवा को शुद्ध करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, नो इट्स सोडियम परऑक्साइड इज यूज्ड, NaOH। मौर्य वंश का अंतिम शासक कभी बताया था? वृहदत्त है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम लिथियम होती है सबसे हल्की। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। डूरंट रेखा भारत और किसके बीच में है? तो डूरंट रेखा जो है वो अफगानिस्तान के बीच में है। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने सॉल्व किया था 15 अक्टूबर को। महिला दिवस किस देश में पहली बार आयोजित किया गया था? तो आई थिंक इट्स USA। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आई थिंक इट इज़ इन 1992। यस, इन 1992। पहली किसान रेल ने कौन सा मार्ग अपनाया? देवलाली से दानापुर। पंपा सागर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो पंपा सागर डैम जो है शायद तुंगभद्रा पर बनाया गया है। यस। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंगोस पुरस्कार 2009 मिला? खबर लहरिया, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला या आज? किंग सेंगो खबर लहरिया को। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से समझौते किए हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत रेलवे ने की थी। बाण भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो वह हर्षवर्धन के राजदरबार में थे बाण भट्ट। और वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है।
दिल्ली की सुल्तान रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, पूरा नाम इल्तुतमिश का था, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। बुर्ज खलीफा का मालिक एच शेख खलीफा बिन जायद है। जैतून किस देश के बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो फ्रांस है। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है सिक्किम में स्थित है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के थे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से समुद्रगुप्त को दी गई है। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त थे। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आए थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे भारत फाहियान। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु मंदिरों की पुण्य भूमि कहलाती है। गुप्तकाल के किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला रंगोली है। हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? तो स्पेस बार पर उसका नाम नहीं होता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में नापा जाता है? तो कैलोरी में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में, नहीं वो है पेरिस में। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है। दमदम हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। कोंकण रेलवे जोड़ता है मुंबई मनमाड़ को, रोहत से बैंगलोर को, मंगलुरु से कोची को, या मुंबई से पुणे को? तो कोंकण जो है शायद मुंबई से मनमाड़ को, नहीं वो जोड़ता है तो कोंकण रेलवे स्टेशन रोहत से मैंगलोर को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गया? बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर जो है वो महामंगा के प्रभाव में आ गए। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं में से किस बातों में आगे थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो इन तीनों चीज़ों में आगे थे। कपास की खेती करते थे, उत्तम नगर आयोजन करते थे और पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग भी करते थे। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा गया? फ्लोरेंस मुलर, वेटसन या मेंडल? आई थिंक मेंडल, नो इट्स वेटसन। वेटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुईस पाश्चर ने रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किया था। केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? हृदय योजना शुरू की गई है हेरिटेज विकास के लिए, यस विरासत के विकास के लिए। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्सरेज की। रॉन्जन, यस WC रॉन्जन ने एक्सरेज की खोज की थी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये शायद चिनाब है, नहीं गलत है, सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, नहीं तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में से किन्हें शुक्ला ध्वज भी कहा जाता है? तो शुक्ला ध्वज मन्नथु पद्मानुभम वीर चिला राय को कहा गया है शुक्ला ध्वज। प्रतिकर्षण और अपकर्ष
कार्य को उत्तरदायी है प्रवास के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लेट्स डू अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो।